इसलिए मैं अभी ये छोटा वाले का अचार डालने जा रही हूँ। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए हमको चाहिए 1.5 किलो जितना छोटे आंवले है, और 1 कप ऑयल, और ये 1/2 कप जितना ये मिर्ची है, जितना मिर्ची पाउडर है उतना नमक लेना पड़ेगा। ये तड़के के लिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा राई जीरा और मेथी, और ये अदरक किसा हुआ 1 टेबल स्पून, और ये राई को थोड़ा भून के, राई और मेथी जीरा सब थोड़ा थोड़ा ऐसे सेक के पाउडर करके रखा है। चाहिए तो आप तीनों एक साथ सेक के भून के पाउडर कर सकते हैं। और थोड़ा सा लहसुन, हल्दी, और ये इमली का पानी 1/2 कप जितना है ऐसा ले, नींबू जितना इमली लिया मैं उसको ऐसा पानी करके लेना है। ये आंवले को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक तल के लेने का। कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ये आंवले डालेंगे थोड़ा थोड़ा। मीडियम आंच पे इसको एकदम गोल्डन ब्राउन जैसा फ्राई करने का। अभी ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको गैस को स्लो करके फिर इसको हम निकाल देते हैं। अभी ये आंवला निकाल के रखी हूँ, तेल थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मैं इसमें निकाल देती हूँ। यही तेल में तड़का सब डालना है, निकाल देती हूँ ज्यादा। ये वापस तेल गरम हो गया है। राई जीरा और मेथी हल्दी, थोड़ा लहसुन का कलर, ठीक है। अदरक डाल दिया थोड़ा सा, उसे फ्राई होने के बाद इसमें इमली का पानी डालना है। थोड़ा पकना है, थोड़ा 2-3 मिनट पकना है इमली का पानी। ये अच्छे से उबाल आ गया है, अभी इस पर काफी चीजें डालते हैं। ये है जीरा पाउडर, मेथी और राई का पाउडर। इसमें मिर्ची पाउडर डालते हैं, नमक डालते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। अच्छे से मिलाने का, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया एक नहीं ये डालने का 2-3 मिनट के बाद। अब इसको गैस से उतारते हैं, थोड़ा 2-3 मिनट ठंडा हो गया एक नहीं ये डाल देने का, आंवला थोड़ा ठंडा करने देते हैं। ये 2-3 मिनट हो गए, अभी इसको डाल देने का, अच्छे से मिला के एकदम ठंडा होने के बाद फिर बर्नी में भरने का। यह शीशे में ठंडा हो गया है, अभी ये बर्नी में भर देंगे। ये अभी 2-3 महीने तक खा सकते हैं अचार छोटा आंवले का। इट इज रेडी। थैंक यू।